हेलो गाइस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही थी। प्रीवियस ईयर एसएसओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ईएसआईसी में। तो ईएसआईसी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप इन पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 327 पेजेस यहाँ पर दिए हुए हैं और इसके जो कॉस्ट है वो है ओनली 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ पे करके आपको इस ई बुक को, जिसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, मोर देन 45 सेट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पाओगे, इसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, बट मैं बेसिक से आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो रोल नंबर आप देख पाओगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज करके जो आपको पूछना होगा वो आप पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे आपका सवाल पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देख पाओगे पेज 1 of 1, इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइप करना है। एंड नीचे भी आप देख पाओगे पेज 2 of 2, इस तरीके से ये अपने आप ही आ जाएगा। अगर हम पेज नंबर 3 पे चले जाएंगे, जैसे इंटर इंटर प्रेस करोगे तो पेज नंबर 3 आ जाएगा अपने आप ही। तो आप देख पाओगे हमें अभी हम लोग जो आए हुए पेज नंबर 3 पर आए हुए हैं। तो पेज 3 of 1 जितने भी पेजेस होंगे वो इसी तरीके से आएंगे। तो आपको ये सेटिंग किस तरीके से करना है, फुटर किस तरीके से लगवाना है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग दी गई है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं होगी, तो स्टार्टिंग से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को जो है, जो मैंने अभी यहाँ पर आंसर क्रिएट किया था, इसे मैं कर दूँगा क्लोज। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, एक नए सिरे से यहाँ पर वर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आपको आपके सिस्टम में वर्ड जो है वो टाइप करना है। 2010 का वर्जन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, उसके अभाव भी हो सकता है। तो सारे जो फंक्शंस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमिलर होते हैं। इस तरीके से आपका जो वर्ड है वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एन से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले सकते हो, या फिर यहाँ पर भी क्लिक करके आपको इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपका जो पेज का लेआउट है उसे एक बार आपको चेक कर लेना है। पेज का जो लेआउट होगा वो यहाँ पर डिफॉल्ट A4 साइज का आपका यहाँ पर होना चाहिए। ओरिएंटेशन जो है इसका पोर्ट्रेट यहाँ पर होना चाहिए, एंड मार्जिन्स जो है इसकी नॉर्मल होने चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ और सेटिंग करने के लिए कहा जाएगा, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर सेटिंग करना है। बट इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक 200 to 300 वर्ड्स का आपको एक पैसेज दिया जाएगा। उसकी फॉर्मेटिंग आपको बेसिकली यहाँ पर करना होता है। यहाँ पर जो समय आपका जाने वाला है वो जाने वाला है टाइप करने में, एंड आपको जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद ही यहाँ पर टाइप करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया और टाइप करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर पढ़ लेना है। इसे आपको टाइप बिल्कुल भी नहीं करना है, इसे सिर्फ आपको पढ़ना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है नॉट टू बी टाइप। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए, अलाइनमेंट इसका सेंटर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स। तो इसी में आपको क्या करना होगा, वर्ड में जाना है, इंसर्ट करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर जाएंगे एंड टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आपको लेने के लिए कहा गया है। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर आपको इसे ले लेना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ले लेंगे एंड जो उसके जो अंदर में टेक्स्ट लिखा गया है डेप्ट मार्केट, तो आपको यहाँ पर सिंपली डेप्ट मार्केट कैपिटल में लिख देना है। तो इतना होने के बाद इसका जो अलाइनमेंट है वो आपको चेक करना है, किस तरीके से आपको अलाइनमेंट करना है। इसका जो अलाइनमेंट है वो होगा सेंटर अलाइनमेंट, इसे बोल्ड किया गया है एंड इसका जो फॉन्ट साइज है उसे 20 कहा गया है। तो इतना आपको कर लेना है एंड इसे जिस तरीके से क्वेश्चन में इनलार्ज किया गया है, बस इसी तरीके से हम भी इसे सेट करके एक जगह इसे सेट कर देंगे। तो आप देख पाओगे यहाँ पर ये सेट हो चुका है। आप इसे अगर आपको क्वेश्चन में, तो उसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हो, क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर रोल नंबर एंड यहाँ पर आपको आपका नेम लिखने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन अगर लेफ्ट में कहा गया है, मान के चलते राइट अलाइनमेंट में कहा जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर जैसे मान के चलते हम लोग यहाँ पर रोल नंबर टाइप करते हैं एंड नीचे में यहाँ पर नेम लिख देंगे। तो इसे अगर आपको अलाइनमेंट जो है इसका, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, अगर इसे जो है आपको अलाइनमेंट जो है इसका राइट कहा जाए, तो आपको यहाँ पर राइट अलाइनमेंट यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी ये होगा और रोल नंबर वो टाइप कर देना है
एंड यहाँ पर आपको आपका जो नेम है वो इंटर कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इंसर्ट पर जाना है, टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है एंड डेबिट मार्केट यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है। उसे आपको इस तरीके से अलाइन करना है। इसके बाद क्वेश्चन में चले जाना है। फिर से आपको जो पैसेज कहा गया है जो टाइप करने के लिए, उसे आपको एक बारी में फिर टाइप कर देना है। यहाँ पर कुछ भी इंसर्ट करने के लिए आपको नहीं कहा गया है, ओनली यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पेज नंबर कहा गया है, जो कि हम लोग सबसे लास्ट में यहाँ पर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप कर देंगे। तो जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है उसे हम लोग सबसे पहले टाइप कर लेते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पर टाइपिंग का जो वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता दूँ, किसी किसी कैंडिडेट के जो सिस्टम होगा वहाँ पर आप जब होम टैब पर क्लिक करोगे या कहीं पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक किस्म का एरो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रिबन कोलैप्स द रिबन, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो जब भी आप क्लिक करोगे तभी ये आएगा। तो इसे इस तरीके से आपको नहीं रखना है। तो ये पिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पिन द रिबन, तो पिन द रिबन पर आपको क्लिक करना है ताकि ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा सहूलियत यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको सिंपली यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है एंड उसके मुताबिक आपको इसकी फॉर्मेटिंग करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ग्रामर चेक करने के लिए भी कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये ब्लू में आ रहा है, ये रेड में आ रहा है, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इसे सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है एंड इग्नोर वंस पर आप क्लिक करोगे तो ये लकीर चली जाएगी। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुई होगी तो आपको जो है स्पेल चेक का जो है स्पेलिंग चेक का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वो भी मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे कि आपको कहा गया है ये जो पैसेज है अल्टरनेटिव तक, यहाँ पर फॉन्ट साइज आपका 12 रहने वाला है, सिंगल लाइन स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट जो इसका जस्टिफाई होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में ये पैराग्राफ के सेक्शन में आप देख पाओगे ये जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, या राइट अलाइनमेंट है एंड राइट अलाइनमेंट के जस्ट बगल में आपको दिखेगा जस्टिफाई। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इसका जो फॉन्ट साइज है उसे 12 कहा गया, तो हम इसे 12 कर देंगे। एंड ये जो पूरा पैसेज है, ये पूरा पैसेज किस में किया गया है टाइप, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाएगा ताहुमा, तो ताहुमा फॉन्ट आपको जो है टाइप दे देना है ताहुमा। तो इतना क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर हो चुका है। एंड और भी कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होंगे तो एक बार पढ़ लेते हैं। 12 सिंगल लाइन स्पेसिंग अलाइनमेंट, तो यहाँ पर सिंगल लाइन स्पेसिंग देना है। तो इतना हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पैराग्राफ के सेक्शन में देखोगे जस्ट इसके ऊपर में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर 1.0 कहा गया है तो 1.0 यहाँ पर हम लोग करेंगे, 1.15 है, 1.5 है, 2.0, 2. तो काफ़ी सारे यहाँ पर लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पर 1.0 कहा गया है तो 1.0 यहाँ पर हम लोग देंगे। और भी अगर आपको इसकी सेटिंग चाहिए तो पैराग्राफ के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर लाइन स्पेसिंग सिंगल आपको दिख रहा होगा। अगर लाइन स्पेसिंग डबल कहा गया है तो यहाँ से आपको डबल करके ओके कर दोगे तो ये डबल हो जाएगा। उसी तरीके से अभी हमने जब यहाँ से सिंगल किए थे तो यहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। आप देख पाओगे 2.0 पे ये अपने आप आ चुका है, क्योंकि हमने जो सेटिंग किए हैं वो बॉक्स में से किए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे सिंपली 1 रखेंगे। इतना होने के बाद और भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो जो जो यहाँ पर सेटिंग की गई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक बोल्ड किया गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है बोल्ड किया गया है, उन जो है पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, वो इंस्ट्रक्शंस में आपको नहीं बताई जाएगी, तो वो आपको देख के ही करना है। तो आप शॉर्टकट की का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, कंट्रोल बी होगा बोल्ड करने के लिए एज अपोज्ड। देखिए इतना हमारा हो चुका है, देन एक इंटर की हम लोग प्रेस करेंगे क्योंकि हमने जो टाइप किए हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिंग कहा गया है उसे हम लोग देख लेते हैं। फॉन्ट साइज 10 होने वाला है, सिंगल लाइन स्पेसिंग अलाइनमेंट लेफ्ट होने वाला है, तो ये जल्दी से हो जाता है। सिंगल लाइन स्पेसिंग है इसका भी, तो यहाँ से हम लोग 1.0 कर देंगे। इसका जो साइज़ है उसको 10 करना है तो इसे 10 कर देंगे। एंड यहाँ से हम लोग एक इंटर करेंगे एंड इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, तो लेफ्ट ही यहाँ पर है ऑलरेडी, ये लेफ्ट ही है।
इतना होने के बाद मोरल का हम लोग देख लेते हैं। अभी इस पैराग्राफ को आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इसका जो फॉन्ट साइज है उसे आपको 12 कर देना है, इंटर कर देना है। 12 करने के बाद में इसका जो अलाइनमेंट है आपको राइट करने के लिए कहा गया है, तो आप राइट कर दोगे। एंड देन इसका जो स्पेसिंग है वो आपको डबल लाइन स्पेसिंग कहा गया है, तो पैराग्राफ के सेक्शन में यहाँ पर आपको डबल लाइन स्पेसिंग मिल जाएगा, तो ये इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना हमारा क्वेश्चन हो चुका है। एंड देन यहाँ पर जो भी सेटिंग की गई है वो आपको देख लेना है एक बार। तो ये राइट अलाइनमेंट हो चुका है, डबल लाइन स्पेसिंग एंड फॉन्ट साइज इसका 11 है, तो फॉन्ट साइज इसका हम लोग क्या करेंगे 11 ही है, तो 11 ही इसे रखेंगे। इतना हो चुका है। देन यहाँ से आपको जो है एक नया पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो एक इंटर प्रेस करेंगे। एंड देन यहाँ पर फॉन्ट साइज 12, सिंगल लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट सेंटर, तो इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर है। सिंगल लाइन स्पेसिंग का यूज़ किया गया है, तो सिंगल लाइन स्पेसिंग दे देंगे। एंड इसका जो फॉन्ट का जो साइज़ है वो 12 कहा गया है, तो यहाँ से हम लोग इसे 12 कर देंगे। शॉर्ट तक ये आ चुका है। एंड देन यहाँ पर आप देख पाओगे जहाँ जहाँ पर इसे बोल्ड, अंडरलाइन एंड इटैलिक किया गया है, तो वो आपको एक बार ही चेक कर लेना है। तो ऑफकोर्स से लेके सोर्सेज तक, ऑफकोर्स से लेके सोर्सेज तक आपको इसे बोल्ड करना है, प्लस अंडरलाइन कर देना है। नेक्स्ट जो है उसे देख लेते हैं एक बारी। कॉस्टली से लेके विदाउट तक आपको चेक करना है, इसे बोल्ड किया गया है एंड इटैलिक किया गया है, तो ये बोल्ड एंड इटैलिक हो चुका है, तो इसी के आपको नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके बाद एज अपोजिट ये तो हो चुका है हमारा, हमने इसे फॉर्मेटिंग कर दी है, ठीक है, ये एक बार आपको चेक करना है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। इसके बाद अगर यहाँ पर आपको जो है फुटर में पेज नंबर देने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आप देख पाओगे पेज नंबर, पेज वन ऑफ वन इस तरीके से यहाँ पर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ भी इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पर हेडर, फुटर एंड पेज नंबर, तो पेज नंबर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको बॉटम में पेज देना है, बॉटम में आपको पेज नंबर देना है। तो यहाँ पर आप जब इस तरीके से यहाँ पर कर्सर रखोगे तो आपको इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में हमको देना है तो सेंटर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करके पेज लिख देना है, पेज वन ऑफ वन। एंड देन बाहर में कहीं पर भी आप क्लिक कर दोगे तो ये आ जाएगा पेज वन ऑफ वन। इस तरीके से आपको करना है। अगर इसके अलावा आपको यहाँ पर बॉर्डर देने के लिए कहा जाएगा तो होम टैब पर ही आपको जो है सारे फंक्शंस यहाँ पर मोस्टली मिल जाएंगे। तो आपको पैराग्राफ के सेक्शन में यहाँ पर जस्ट बगल में यहाँ पर दिखेगा बॉर्डर का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप ड्रैग ड्रॉप पर क्लिक करोगे, सबसे नीचे बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर आपको आ जाना है। एंड देन यहाँ पर बॉर्डर्स के जस्ट बगल में आपको पेज बॉर्डर दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। एंड देन बॉक्स आपको देना है, तो बॉक्स पर क्लिक करोगे, जिस टाइप का यहाँ पर स्टाइल होगा वो आपको इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है, तो जो एग्जामिनेशन में रहेगा। एक सिंपल रहेगा तो सिंपल दे देना है। विड्थ आपका इसका कितना होगा, 2 पॉइंट होगा, 1 पॉइंट होगा, 3 पॉइंट होगा, सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल सेटिंग होगी। एंड देन ओके कर देना है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो है पेज को, पेज बॉर्डर भी यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा किसी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे कि मान के चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस टू टाइप्स को हाईलाइट करना है, तो इस सिंपली जिस भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट के सेक्शन में आपको यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइटर कलर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो चुका है। यहाँ से इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का जो कलर है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, मोस्टली येलो ही रहता है, तो इस तरीके से ये होगा। तो इसे हम लोग अभी नहीं करते, क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देन यहाँ पर जो है आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा सकता है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किस तरीके से करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं वो मैं अगले वीडियो में यहाँ पर आपसे बात करूंगा। आपको बस इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड के साथ, एंड चैनल को आपको ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको आपको सेव करना है, तो फाइल मेन्यू में जाके आपको सेव पर क्लिक करना है। दिस पीसी में जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हो, डेस्कटॉप पर अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पर हम लोग क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका फाइल नेम होगा, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपका जो रोल नंबर होगा, आपका जो नेम होगा,
जिस भी तरीके से आपको यहाँ पर सेव करने के लिए कहा जाएगा, तो वो आपको सेव कर देना है। एंड देन सिंपली यहाँ पर सेव एज अ टाइप जो होगा वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ही होगा, ठीक है। कोई भी आपको पीडीएफ में या किसी और इसमें सेव नहीं करना है, अगर वर्ड होगा तो वो डॉक्यूमेंट में ही सेव होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे सेव कर देंगे, तो ये फाइल जो आपका यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर आप कट, कॉपी, पेस्ट या फिर अंडू कर सकते हो। तो जो भी फंक्शंस यहाँ पर दिए गए वो आपको करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो है रेप्लिका यहाँ पर क्रिएट करना है। इसके बाद रिव्यू पर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो रिव्यू पर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। तो स्पेलिंग के बारे में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान के चलते अल्टरनेटिव्स को अगर मैं डबल एस कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाएगा। आप देख पाओगे यहाँ पर ये लकीर आ चुकी है। अभी मैं और एक दो गलतियाँ यहाँ पर कर देता हूँ। मान के चलते हैं यील्ड में भी मैं डबल ई कर देता हूँ एंड और हम लोग का इम्पार्ट में हम लोग इसको भी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। तो आप देख पाओगे तीन स्पेलिंग मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सिंपली जो है सबसे पहले इम्पट का यहाँ पर दिखा है तो आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इसे हम लोग देख लेते हैं, इग्नोर करना है या फिर इसे इम्पट के जगह इम्पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग इसे चेंज पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद में यील्ड जो देख पा रहे होंगे सेकेंड रो में, तो यहाँ पर ईल्ड का जो स्पेलिंग होगा वो YIELD होगा, तो इसे भी हम लोग चेंज कर देंगे। इसके बाद में अल्टरनेटिव्स आप देख पाओगे तो डबल एस हमने लगवाए थे तो यहाँ पर ये अपने आप ही ले लेगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो अगर गलती से भी अगर आपका स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना होगा, तो अगर आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाता है तो रिव्यू पर आपको ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का दिखने वाला है, तो इसे हम लोग सिंपली ओके कर देंगे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड जरूर से कर लेना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो सिंपली इस पेपर सेट को आपको डाउनलोड कर लेना है। मोर देन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस 45 सेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, एमएस एक्सेल के, एमएस वर्ड के एंड एमएस पावर पॉइंट के। एमएस वर्ड के क्वेश्चंस थोड़े कम हैं, बट आपको मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सिंपली आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। कुछ भी अगर आपको डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।